इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा जी, इनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ नया है। संदीप जी, बिल्कुल आपका यानी चिवन जी बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये बताएं कि कोई 10 ऐसी उपलब्धियाँ बताएं जो आपने की दक्षिण विधानसभा। दक्षिण विधानसभा में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत थी, हमारा मानना था कि जिस प्रकार चिकित्सा में गरीब आदमी परेशान होता था हृदय की बाईपास के लिए, तो हमने उसके लिए प्रयास किया और कैथ लैब मेडिकल कॉलेज में स्थापित की। मेडिकल कॉलेज में और भी बहुत सारे काम हुए, जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट जल्दी चालू हो जाएगा और केंद्र और राज्य सरकार की सहयोग से सुपर स्पेशलिटी सेवाएं भी जल्दी ही चिकित्सा में प्रारंभ हो जाएंगी। इसके अलावा चिकित्सा में जहां आवश्यकता थी कि वार्डों में पीएससी को अपग्रेडेशन करा के सीएससी में परिवर्तित किया जाए, तो विज्ञान नगर को 5 करोड़ की सीएससी दिलाई। इसके अलावा 2 बड़ी डिस्पेंसरीज जो केशवपुरा में और सुभाष नगर में, वो भी लगभग समापन पर हैं, उनका भी जल्दी हम उद्घाटन कर लेंगे। साथ ही बड़ी आवश्यकता हमारी थी ट्रैफिक को लेकर, हमने मोदी कॉलेज फ्लाईओवर के लिए लगातार सतत प्रयास किया और मोदी कॉलेज हमको प्राप्त। हमारी कांग्रेस समय से लो बसें खड़ी हुई थी, उसके लिए मैं लगातार प्रयत्नरत रहा, प्रयास किया और आज वो लोगों के आवागमन के लिए उपलब्ध है और बहुत अच्छी तरीके से वो मिनी बस चल रही है। मैंने डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए बार बार आवाज़ की, इसके लिए प्रयास किया, मंत्री से मिला, मुख्यमंत्री से मिला, जिलाधीश जी और अधिकारियों से चर्चा हुई और आज डोर टू डोर कचरा प्रणाली पूरे शहर भर में लागू हो गई। पानी के लिए भी हमने सतत प्रयत्न किया, पानी के लिए हमने लगातार विधानसभा में अपनी बात को उठाया, पहुँचाया, उसके लिए काफ़ी पैसा स्वीकृत हुआ। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी कोटा शहर की जो 40-50 साल पुरानी पाइपलाइन है, जो जीर्ण अवस्था में है, वो अभी तक भी बदली नहीं गई है, प्रेशर कम रूप से आता है। साथ ही जो हमारे कोटा शहर की जनसंख्या के हिसाब से पानी लोगों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता, क्योंकि 2 लाख बच्चों को अतिरिक्त पानी देना पड़ता है, तो उसके लिए अतिरिक्त पैसा भी स्वीकृत कराया। ये सारे कार्य हमने कोटा की विधानसभा के लिए किए हैं, चाहे वो प्रगति मैदान हमारा जब बनेगा, वो प्रगति मैदान हमारे कोटा शहर के लिए कैसी सौगात होगा। मैंने बायोलॉजिकल पार्क के लिए भी लगातार प्रयत्न किया और मैं लगातार बायोलॉजिकल पार्क के लिए मंत्रियों से और मुख्यमंत्री साहब से भी मिला और संबंधित अधिकारियों से मेरी इस विषय में लगातार चर्चा होती, मैं लगातार इसको परस्यू करता रहा और आज बायोलॉजिकल पार्क कोटा शहर में बिल्कुल उसका कार्य प्रारंभ हो चुका है, जो कोटा शहर के लिए सौगात के लिए। जहाँ तक अपराध वाला विषय है, अपराध एक प्रवृत्ति है और चाहे कोई सी भी सरकारें हों, अपराध सतत और ये प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन हमारी सरकार ने इसके लिए गहन प्रयास किए हैं, गंभीर प्रयास किए हैं, चाहे वो CCTV कैमरे का विषय हो अथवा IT के द्वारा, क्योंकि आजकल जो भी अधिकारी पकड़े जाते हैं वो मोबाइल के द्वारा अथवा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ही उनको हम पकड़ सकते हैं। इन क्षेत्रों में हमारा प्रयास रहा है कि एक अलग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित एक IT सेल पुलिस की ओर बने, इसके लिए हमने लगातार गृह मंत्री से भी बात की है, उच्च अधिकारियों से भी बात की है और वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूरे राजस्थान में हो, अधिकारी हमारे पुलिस विभाग के पास सुरक्षित अच्छा और आधुनिक बेड़ा हो, जिसके माध्यम, क्योंकि हमारे पास जो भी हथियार हैं अथवा गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां पुरानी स्टाइल की हैं, जबकि आजकल बड़ी द्रुतगामी गाड़ियां चल चुकी हैं, तो मैंने भी इसके लिए लगातार प्रयास किया है कि इस प्रकार का आधुनिक बेड़ा पुलिस का हो, जिसके माध्यम से CCTV के द्वारा पूरा शहर सुरक्षा के दायरे में हो, पूरे घेरे में हो, कोई भी अपराधी निकल ना पाए, और उसके लिए हमने 20 लाख रुपए दिए भी थे, उसकी प्रक्रिया चल रही है। कहीं ना कहीं कुछ कंपनी की रुकावट आई है, जिससे कंपनी का कोई अन्यथा सरकार की तरफ से या हमारी तरफ से कोई इसमें ढील नहीं रही। यदि आज चुनाव होते तो आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में,
ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो बताई जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, जो कोटा वासियों की मांग थी, कोटा की प्रत्येक रोड नाली सड़क पार्क जो मेरे क्षेत्र में हों उनको मैंने जो है विशेष रूप से प्रयास किया है, पानी की समस्या को लेकर, जल की समस्या को लेकर, चिकित्सा के विषय में, सौंदर्यीकरण के विषय में, ये सारी चीज़ों को लेकर हमने निरंतर प्रयास किया और हमने बहुत अच्छे तरीके से कोटा की जनता के अनुरूप, कोटा की जनता के अनुकूल एक जो सपना हमारे कोटा शहर के लोगों ने देखा था, स्वच्छ हरा भरा कोटा, उसके उसी विज़न पर हम काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि हमारा कोटा शहर राजस्थान का अभिमान शहर बने।